रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागरिन, एयर कंडीशनर लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 8770942168। सागर की रैली विधानसभा से विधायक और प्रदेश की सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव के क्षेत्र में हुए विकास कार्य किसी से छुपे नहीं हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग भी मंत्री के कार्यों की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन इस विधानसभा के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जो क्षेत्र के विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें रैली विधानसभा की हिनौती ग्राम पंचायत के सुहागपुरा गांव से जुड़ी हैं। यहां हर साल ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या तो पानी के लिए उत्पन्न होती है, जिसके लिए ग्रामीण खासे परेशान होते हैं। जबकि बात यहां प्रधानमंत्री आवास योजना की जाए तो यहां अभी तक किसी को आवास योजना का लाभ तक नहीं मिला। हम लोग देखे ही नहीं है, न टोटी, न नल, न जनधन योजना, कोई नहीं। परेशान हो रहा हम बहुत, हमारे गांव वाले, छोटा सा गांव है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, न कुटी आई, न हमारे तो पानी की व्यवस्था है, न कुछ भी नहीं है हमारे इधर। तो आपको लगभग कितने तक मिला सर? जो कारण है कि हम पंचायत है ना थी हमारी, सो हम सचिव के से हम लोग सब जने जाते जितने इतने निवास करा थे, तो भैया सबकी कुटी बन रही और हमारे मन पंचायत में भी बन रही, हमारे स्वाग्राम का नहीं बन रही है। बिकन लगी तुम्हारा 2011 की लिस्ट में नाम नहीं, सो हमने सर कुछ उपाय तो कर, कुछ कोई उपाय नहीं। आप वरिष्ठ अधिकारियों के तक कहाँ कहाँ गए अभी तक? हमारे जनपद में सोई जाए और मंत्री जी के गाय ने दो दो बजे लेटर दे दिया हमें, तो लेटर को प्रभाव अभी तक नहीं भाव का। अब जो कछु नहीं भाव। जबकि शिक्षा की दृष्टि से यह गांव काफी पीछे है। यहां हमारे संवाददाता आसू दुबे ने जब एक युवती से बात की तो उसने बताया कि स्कूल तो काफी दूर थी, इसीलिए पढ़ाई बंद कर दी। किस क्लास की में पढ़ते? हमारी पढ़ाई बंद हो गई। क्यों पढ़ाई बंद हो गई, क्या करें? बस ऐसे ही कुछ दूर था, दूर जाना पड़ता है इसलिए। गांव से दूर जाना पड़ता है। यहां क्या स्कूल नहीं है आपके पास? है, बस 5 मीटर है। 5 मीटर बस। तो आप पानी भरने जाते, नल जल योजना नहीं है? हाँ, आप बोल रहे हैं। हाँ। क्या कारण है कि नल जल योजना नहीं? पता नहीं क्यों नहीं देते, कुछ कोई भी योजना नहीं, नल जल योजना तो देखी नहीं। और घर में आपके कुटी नहीं आई, कच्चा मकान है। हाँ। तो आप सरकार से क्या बोलना चाहते? यही बोलना चाहते कि हमारे घर भी पक्के हों, सब कुछ भी नहीं सुनते। हम अभी 11वीं की छात्रा हूँ, मेरे पास मतलब अभी तक एक भी साइकिल नहीं है, और मतलब पापा की साइकिल से जाते हैं। और साइकिल आपके पास क्यों नहीं है? दी नहीं है मेरे को साइकिल, जब सिस्टरों से पूछते हैं कि सर मेरे को साइकिल क्यों नहीं, बेटा वो तो योजना ही खत्म हो चुकी है, साइकिल की योजना खत्म हो चुकी है। इस मामले में जब जनपद सीओ से बात की तो उन्होंने बताया कि आवास योजना में तकनीकी खराबी के कारण यह गांव पोर्टल पर नहीं खुल रहा है, जिसका जल्द ही निराकरण किया जाएगा, जबकि अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए भी कार्य किए जाएंगे। कुल मिलाकर जनपद सीओ अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। प्रधानमंत्री आवास के बारे में आपका जो बात कर रहे हैं वो हमारे संज्ञान में है, और इसके लिए तकनीकी रूप से वो खुल नहीं रहा है गाँव, इसके लिए पत्राचार बराबर हो रहा है और वो शासन स्तर पर लंबित है, दिल्ली से भी इसके लिए जो है कार्रवाई प्रचलित में है। जहाँ तक नल जल योजना की टोटी का सवाल है कि वो हमारे PHC को हर घर में नल देने की योजना है और कई गाँव में चालू है, तो उसके तहत काम PHC वाले कर रहे होंगे, वो हम आपके संज्ञान में आप लाए हैं, हम दिखवा देते हैं। जहाँ तक शौचालय की बात है, शौचालय हमारे यहाँ ODF हो चुका है, आप बता रहे हैं तो हम फिर से दिखवा देते हैं कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। एक मकान में एक ही शौचालय है, दैनिक का प्रावधान है, इसलिए हो सकता है कि एक घर में भी 3 लोग, 2 लोग की आपत्ति हो सकती है कि हमारा शौचालय नहीं बना, लेकिन मकान के आधार पर हम देते हैं, एक मकान में एक शौचालय है। अरे एक मकान में एक शौचालय नहीं, हम उसको दिखवा लेते हैं और जाँच कर लेते हैं, 2-3 चार्ज में इसका ऐसा कोई बात कहा जा रहा है।
इस गांव की ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाना हमारा मकसद केवल इतना है कि इस गांव में भी दूसरे गांवों की तरह विकास कार्य किए जाएं, ताकि यहां के लोग भी बेहतर शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं का फायदा उठा सकें। हमें उम्मीद है कि क्षेत्रीय विधायक और सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव इन तस्वीरों को देखने के बाद यहाँ के लोगों की मदद जरूर करेंगे। रहली से आशु दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।